<laughs> Assalamu alaikum from morocco and you're watching moroccan reactions in today's video i'll react to unusual things recorded in masjid by Heather tv so let's start the video one two three असलम दोस्तों मेरा नाम है वकास हैदर और आप देख रहे हैं हैदर टीवी दोस्तों आप में से बहुत से लोग डेली मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जाते होंगे वैसे तो मस्जिदों में सिर्फ नमाजी ही देखने को मिलती हैं लेकिन आज के मैं आपको मस्जिद में रिकॉर्ड की जाने वाली सबसे अनयूजल वीडियो के बारे में बताने जा रहा हूँ तो शुरू करते हैं अपना काउंट दोस्तों वैसे तो आप सबने बहुत सी इमाम मस्जिद को नमाज पढ़ाते हुए देखा होगा लेकिन इमाम की इससे क्यूट वीडियो शायद आज से पहले आपने कभी नहीं देखी होगी ये जो इमाम साहब आप देख रहे हैं इनका नाम शेख वलीद है और ये अल्जेरिया की एक मस्जिद में नमाज पढ़ाते है रिसेंटली तीन अप्रैल को ये मस्जिद में तरावे की जमात करवा रहे थे की नमाज के दौरान एक बिल्ली इनके पास आ गई पहले तो ये बिल्ली इमाम साहब के इर्द गिर्द घूमती रही लेकिन बाद में इनके ऊपर चढ़ गई इमाम साहब ने नमाज पढ़ाते पढ़ाते इसे अपने कंधे पर बिठा लिया और ये इनसे लाड़ करना शुरू हो गई इवन आप बिलीव नहीं करेंगे कि बिल्ली ने इमाम साहब को गाल के ऊपर बोसा भी दिया जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि इमाम साहब नमाज पढ़ा रहे थे और बिल्ली इनके साथ खेल रही थी ये वीडियो इतनी क्यूट है इसे कि देखकर किसी का भी ईमान ताजा हो जाएगा वेल इस तरह के ब्यूटीफुल सीन रोज-रोज देखने को नहीं मिलते

दोस्तों दुनिया में शायद ही कोई ऐसा मुसलमान होगा जो कि मस्जिद के इमाम का एहतराम ना करता हो लेकिन क्या आप बिलीव कर सकते हैं कि कोई मस्जिद में नमाज के दौरान इमाम साहब पर हमला कर दे सुनने में तो ये बात अनबिलीवेबल लगती है लेकिन ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसमें मलेशिया के एक इमाम मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ा रहे थे अभी ये सूर की दिलावत कर ही रहे थे की एक शख्स जमात में खड़े हुए लोगो को धक्का देता हुआ आगे आया और सीधा अपने जूतों से इमाम साहब पर अटैक कर दिया इस बदबक ने इतना भी सोचने की जहमत

दोस्तों कुछ दिन पहले इंटरनेट पर मस्जिद हरम की एक वीडियो अपलोड की गई थी जिसमें एक औरत अहराम पहने खाना का तवाफ कर रही थी लोगों ने जब ये वीडियो देखी तो इसे बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया क्योंकि इस्लाम में औरतों को इस तरह अहराम बांधने की इजाज़त नहीं है लेकिन प्रॉब्लम यह है की लोग सोचे समझे और असलियत जाने बगैर ही अगले पर कॉमेंट पास करना शुरू कर देते हैं असल में जब तहकीक की गयी तो पता चला की कोई लड़की नहीं बल्कि एक लड़का था जिसने लम्बे बाल रखे हुए थे ये अपने दोस्त के साथ उम्र के लिए आया हुआ था और एहराम बांध कर कर रहा था इवन इसने उमरा करने के बाद अपने बाल भी कटवा दिए थे लेकिन बहरहाल किसी भी पर्सन को जज करने ऐसी पहले इसके मुतल जान लेना चाहिए और इस तरह की वीडियो अपलोड करके लोगों को गुमराह नहीं करना चाहिए दोस्तों ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसमें चोर के पीछे पुलिस लगी हुई थी और वो इनसे बचने के लिए एक मस्जिद के अंदर दाखिल हो गया जैसे ही ये मस्जिद में दाखिल हुआ तो वहाँ पर जमात हो रही थी इसे जब देखा कि सब लोग सजदा कर रहे हैं तो जल्दी से अकेला ही एक सफ में बैठ गया और सजदा करना स्टार्ट हो गया लेकिन अफसोस की बात ये है की ये बंदा इतना बदबक था कि इसे जमात के साथ शामिल होने का भी तरीका नहीं आता था ये नमाजियों के साथ सफ में बैठने की बजाय खाली जगह पर ही बैठ गया था पुलिस वालों ने से इसे देखा तो इन्हें पता चल गया कि ये ही असल में चोर है इन्होंने इसे गिरबान से पकड़ लिया और उठाकर मस्जिद से बाहर ले आई और इसकी तलाशी लेकर इसे अरेस्ट कर लिया वेल इस चोर की तो अब खैर नहीं है दो दुनिया में बहुत से ऐसे ममालिक के लिए भी मस्जिद बनाई जाती है ताकि वो वहाँ आकर जमात के साथ नमाज अदा कर सके लेकिन क्या हो अगर औरतें नमाज पढ़ रही हो और वहाँ पर शैतान आ जाए ये जो आप देख रहे हैं। इसमें औरतों की एक नमाज अदा कर रही थी की एक शैतान सिर्फ चोर वहाँ पर आ गया पहले तो इसने खड़े होकर इंतजार किया की कि कभी औरतें सजदे में जाए और ये अपना काम स्टार्ट कर सके जैसे ही ये तमाम औरतें सजदे में गई तो ये मुनाफिक आगे आ गया और की एक औरत का बैग उठाया और वहाँ से भाग गया वेल अपने पैसे तो सबको ही अजीज होते हैं, लेकिन इन औरतों में से एक भी औरत ने अपनी नमाज नहीं तोड़ी और अपनी नमाज जारी रखी हालांकि इन्होंने महसूस भी कर लिया था कि चोर वहाँ पर चोरी कर रहा है बहरहाल जो भी हो इस चोर से बड़ा मुनाफा शायद ही दुनिया में कोई और होगा दो दुनिया में बहुत से ऐसे मुसलमान हैं जो कि नमाज के मामले में बहुत ज्यादा आलसी होते हैं इन्हें जब नमाज पढ़ने के लिए कहा जाए तो वो कोई ना कोई बहाना बना देते हैं लेकिन अब जो वीडियोस मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ वो स्पेशली ऐसे लोगों के लिए बहुत बड़ा सबक है ये जो फोटेजेज आप देख रहे हैं इसमें माजूर लोग बाकायदा मस्जिद के अंदर आकर नमाज अदा कर रहे हैं जैसा की आप देख सकते हैं की इनमें कुछ लोगों की टांगे नहीं है कुछ लोगों की बाजू नहीं है और कुछ लोग तो अपाहिज है लेकिन ये लोग मोहताज होने के बावजूद भी अल्लाह की इबादत करने के लिए बाकायदा मस्जिद आकर वजू करके नमाज अदा कर रहे हैं। ये उन लोगों के लिए शर्म की बात है जो सलामत होने और अल्लाह तला की हजारों नेमते खाने के बावजूद भी सजदे शुक्र अदा नहीं करते लेकिन बारह जो भी हो इन अजीम लोगों के लिए एक लाइक तो बनता ही है दोस्तों वैसे तो आप सब डेली नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद जाते होंगे लेकिन मस्जिद के अंदर इससे क्यूट सीन आपको और कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसमें नमाज के दौरान एक मासूम बच्ची अपने पापा के कंधे के साथ लटकी हुई है असल में जब ये नमाजी अब में बैठे तो ये बच्ची आकर इनके कंधे के साथ चिपक गयी थी ये बच्ची अपने पापा के साथ खेल रही थी और वो नमाज अदा कर रहे थे इवन जब तक वो नमाज पढ़ते रहे ये बच्ची ऐसे ही इनके साथ अटैच रही ये सीन रियली बहुत क्यूर था दोस्तों वैसे तो चोर दुनिया की हर मुल्क में ही मौजूद होते हैं लेकिन कोई भी चोर अल्लाह के घर में चोरी करने की हिम्मत नहीं करता पर कुछ लोग इतने बदबخت होते हैं कि वो मस्जिद में भी चोरी करने से बाज नहीं आते ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसमें एक शख्स रात के वक्त मस्जिद में दाखिल हुआ इसने पहले इधर उधर देखा कि कोई इसे देख तो नहीं रहा लेकिन मस्जिद खाली थी फिर ये मस्जिद में मौजूद डोनेशन बॉक्स की तरफ गया और इसे खोल कर चंदे के सारे पैसे निकाल लिए इवन इसने इतना भी ख्याल नहीं किया की ये अल्लाह का घर है इसने आराम से पैसे निकालकर अपने जेब में डाले और वहाँ से चला गया जस्ट इमेजिन कि ये घिनौना काम करने के लिए ये शख्स किस हद तक गिर गया था ये रियली अनबिलिवेबल है तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी अगर आप मुझे Instagram पे फॉलो करना चाहते हैं तो दी हैदरा टीवी पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ सो so, ये है द टीवी के बहुत अच्छी बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो थी उसमें जो सबसे पहले सीन दिखाया था वो अल्जीरियन इमाम साहब के कांधे पे जो वो बिल्ली चढ़ी थी वो वीडियो बहुत वायरल हुई थी और सबको पसंद आई गई सबको लगा कि ये बहुत क्यूट सीन है और उसमें जो है इमाम साहब जो है वो अपनी नमाज मुसलसल पढ़ाए जा रहे थे और वो बिल्ली उनसे खेल रही थी तो काफ़ी जो है वो वायरल वायरल हो गई थी वो वीडियो और सबसे आखिरी वाला सीन जो उन्होंने दिखाया है कि चोर घुसकर जो है मस्जिद से डोनेशन बॉक्स की चोरी चोड़, कर ली वहां से उन्होंने पैसे चोरी कर लिए तो मतलब आ, इतनी गिरी हुई हरकत कोई मुस्लिम कर सकता है मतलब मस्जिद में जाके और वहाँ पर जो डोनेशन बॉक्स है उसकी चोरी करना बहुत गिरी हुई हरकत है और मैं सोच नहीं सकती थी कि कोई कर सकता है उसके अलावा जो उन्होंने दिखाया है कि माजूर लोग किस तरह नमाज पढ़ रहे हैं तो वो एक बहुत ही हार्ड टचिंग वाला सीन था और वाकई जो है जो लोग सही सलामत हैं और नमाज नहीं पढ़ते ये उनके लिए बहुत शर्म की बात है कि वो ऐसे लोगों को देखना चाहिए जो उनके पास हाथ नहीं है पाँव नहीं है माज़ूर है फिर भी जो है वजू कर रहे हैं नमाज पढ़ रहे हैं देख कर खुशी होती है और एट द सेम टाइम अफसोस भी होता है कि हम मुसलमान जो है सही सलामत है फिर भी कभी कभी सुस्ती होती है या जमात के लिए नहीं जाते घर पे ही जो है वो नमाज़ पढ़ लेते हैं तो ये लोग जो हैं वो घर पे नहीं वो मस्जिदों में जाके जमात में भी पढ़ लेते हैं वजू करके जो है वो जमात के साथ पढ़ लेते हैं तो ये सब मुसलमानों के लिए मिसाल है कि ये जो लोग जो हैं वो मजूर होने के बाद भी जो है वो अल्लाह का शुक्र करके और अल्लाह के घर में जाके वो अल्लाह के आगे सजदा करते हैं नमाज पढ़ते हैं तो ये हम सब के लिए मिसाल है और ये वाकई बहुत हार्ड टचिंग सीन था तो ये थी आज की वीडियो उम्मीद है कि आप सबको पसंद आई होगी मिलते हैं इन नेक्स्ट वीडियो में चल जाए अपना बहुत ख्याल रखिएगा फिर बनी